तो ये हमने लिया है 1 किलो चिकन विंग्स। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 स्पून हम डालेंगे। डालेंगे हम इसमें नमक अपना टेस्ट के हिसाब से, नमक थोड़ा सा हम कम ही रखेंगे क्योंकि हम बाद में इसको सॉस में भी डालेंगे। वी आर गोइंग टू ऐड ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना आपको स्पाइस लेवल चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सोया सॉस, थोड़ा सा इसमें ओरिगैनो इसको फ्लेवर को बूस्ट करने के लिए, थोड़ी सी इसमें टमाटो सॉस, दैट्स इट। देन हम ऐड करेंगे इसमें अपना रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा, जितना पोर्शन हम मैदा लेंगे, मैं इसमें 1.5 चम्मच मैदा ले रहा हूँ और हम 1.5 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। ये गया जी हमारा इसमें कॉर्नफ्लावर। देन इसमें जाएगा एक हमारा एग और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये हमने पैन में हीट ऑयल हीट होने के लिए रख दिया है। अभी हम इसमें अपने जो चिकन हमने बैटर में बनाए थे उसको हम फ्राई करेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे और इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। हियर इट गोज, वेरी नाइस। एंड वन मोर, अब इसको हम बढ़िया से इसको फ्राई होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए हमारा चिकन बढ़िया से फ्राई हो गया है, 7 से 8 मिनट हमने इसको फ्राई किया है। अभी हम इसको निकाल लेंगे इसको टिश्यू पेपर में ताकि इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। और सेम प्रोसेस में हम बाकी के लोट को हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारा सारा चिकन फ्राई हो गया है, अब इसको हम रेडी करेंगे इसकी हम सॉस। ये हमारी सॉस तैयार करने की, उसमें हम डालेंगे 1 स्पून जिंजर गार्लिक के, जिंजर गार्लिक पे बाद डालेंगे हम डाइस अनियन एंड कैप्सिकम। इसको हल्का सा सौते करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सॉल्ट। टेस्ट के हिसाब से ध्यान रखेंगे, हमने मैरिनेशन में भी सॉल्ट डाला था। हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर, टमाटो केचप, सोया सॉस, ऐसे मिक्स देंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये हमारी, अभी हम इसमें डालेंगे 1 स्पून शेजवान सॉस, बहुत बढ़िया स्पाइसी है ये। ये हमारी आर्म्स टू फार्म्स कंपनी की सॉस है, बहुत बढ़िया, आप हम इसे अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर जो हमने पानी में घोल के रख लिया था ताकि सॉस को थिकनेस देगा। दैट्स इट, कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हम इसको 5 मिनट इसको पकने देंगे ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। सॉस हमारी पक चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे फ्राइड किए हुए विंग्स। इसको एक बढ़िया से इसको मिक्स कर देंगे ताकि सॉस इसकी सब जगह लिपट जाए। अभी हमारा मिक्स हो गया, अभी हम इसमें डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और इसको देंगे एक फाइनल मिक्स।